पहले लखनऊ ही जा रहा हूं, आंचल शर्मा के पास। आंचल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आंचल मैम क्या करते हो लखनऊ में? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, फ्रीलांसिंग जॉब पर अपना प्रोजेक्ट करती हूँ। इंटीरियर डिजाइनर हो आप, वायर। और कब से अंचल मैम स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? अराउंड 8-9 years तो हो ही गए हैं। और कैसी रही है जर्नी 8-9 साल की? जर्नी अच्छी है, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड ने बोला, सजेस्ट किया कि तुम जो अपने काम करती हो तो उसको थोड़ा थोड़ा 50% सारा शॉपिंग पे ही मत खर्चा करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करो। तो दैट्स व्हाई, तो इसलिए ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है। तो मैंने और मदर इन लॉ ने दोनों ने मिल करके स्टार्ट किया, और उनके ज्यादा पैसा उनका होता है और काम थोड़ा सा मैं करती हूँ, देखती हूँ आपका ये सब मार्केट एंड ऑल। तो अब फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते, इन्वेस्ट करते। तो मिस कर रहे हो शॉपिंग को कि ये स्टॉक मार्केट अच्छा ही है? अच्छा आइडिया था हस्बैंड नहीं, का। आज का देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ज्यादा स्कोप हो सकता है, अभी सेल स्टार्ट होने वाली है बहुत सारी। अभी सेल स्टार्ट होने वाली, मतलब स्टॉक गिरने वाले हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन सेल्स, हम लोग तो अच्छा, शॉपिंग के ओहो, इंतजार ओके में रहते ओके हैं ना। ओके। हाँ आंचल मैम, अच्छा स्टॉक डिसाइड कौन कर रहा है, आप खुद ही डिसाइड करते हो अपने? नहीं, हेल्प ले लेती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं थोड़ा सा, एंड हस्बैंड से भी, एंड एक दो फ्रेंड्स हैं जो लोग हेल्प करते हैं। वोडाफोन आइडिया का आइडिया किसका था, हस्बैंड का था कि आपका था? हाँ, हस्बैंड का था वो तो, तो फिर आपने भरपाई के लिए पैसे मांगे उनसे? कुछ फाइट करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या मुझे? हाँ और क्या, 16 वाला 8 पे हो गया हस्बैंड के आइडिया के बाद, तो कुछ तो हस्बैंड से वसूलना चाहिए आपको गलत आइडिया का। लेकिन शॉपिंग ठीक है, में, क्यों हाँ, लिया था, क्या आइडिया था वोडाफोन आइडिया जब लिया था उस समय, तो क्या बोले थे हस्बैंड? तो उन्होंने वही सजेस्ट किया था कि इस टाइम काफी, क्योंकि अदर जो हमारी ब्रांड्स हैं, जियो एयरटेल है, ये लोग बहुत रेट्स हाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं मैं समझा नहीं, आप कह रहे हो बाकी टेलीकॉम कंपनीज बहुत अच्छा कर रही थी तो ये भी करेगी, ऐसा था? नहीं, उनके लिए उनका नेगेटिव कुछ हो रहा था, मार्केट बुलिश और समथिंग हो रहा था, तो दैट्स व्हाई ही सेड कि वोडाफोन में भी अच्छा कवर अप करे इसमें, तो इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। नहीं बात सही, बात सही, उस टाइम पे माहौल ऐसे ही बन गया था, सही बात है। 11 रुपये पे FPO पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, प्रमोटर्स ने पैसा डाला, सबको लगा सब बदल जाएगी तस्वीर, पर एक्चुअली मामला गड़बड़ा गया, आधा हो गया है पैसा। कविता जी क्या करना चाहिए, यहाँ से कब पैसा निकलेगा, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बार वाला वो शॉपिंग फेस्टिवल तो मिस हो जाएगा मेरा, अगले वाले के लिए पैसा बन जाएगा क्या? आई थिंक आचल जी के पास फॉर दैट शॉपिंग तो फॉर श्योर उन्होंने अलग से कोटा रख रखा होगा, नॉट फॉर आइडिया एंड ऑल। बट यस, अभी एज ऑफ नाउ अगर आइडिया को आप देखें तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट कल ही के दिन में भी हमने देखे हैं, कुछ बीजी वेवर्स को देखे और इनके प्राइस हाइक्स जिस तरीके से हुए हैं। तो बट फॉर श्योर वोडाफोन आइडिया को अगर आप ले रहे हैं तो उतना ही सम रखें जितना कि आप लूज करने के लिए रेडी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो मैं देख रही हूँ, आपका शायद 8,000 का इन्वेस्टमेंट है इस काउंटर पर। 7.86 जिस टेक्निकल जिस तरीके से खड़े हैं मैम, 9 रुपए और 14 रुपए रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है एज ऑफ नाउ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो 6 रुपए का मेंटेन करना चाहिए। अदरवाइज आई सजेस्ट व्हाई नॉट दैट 8,000 इन भारती एयरटेल फॉर द 5 units, जहाँ मोर प्रॉमिसिंग आपको रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मोमेंटम अच्छा है, जब ये मोमेंटम फिजल आउट हो रहा हो उसके आसपास ऐसा लगे कि अब ठंडा पड़ रहा है, तब निकल जाऊँ इस स्टॉक से और वो पैसा भारतीय एयरटेल में डाल दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, आप ऐसा कह रहे हो? ठीक बात।